तो दोस्तों मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाए इस समय मीत हुड्डा की, तो मीत हुड्डा बेहद ज़्यादा टेंशन में नजर आ रही हैं और मीत हुड्डा की अब बेटी भी किडनैप होने जा रही है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि धक्के मारकर इस समय घर से जैसे निकाला था महेंद्र को और उसकी घरवाली को, अब उसी चीज़ का बदला लेते हुए नज़र आने वाले हैं आखिरकार ये लोग। हालांकि दोस्तों किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ इस तरीका से गिरता हुआ भी नज़र आने वाला है, और गिरने का तनमन नहीं बल्कि इस समय बेहद ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आ रहा है आखिरकार, आप लोग जानते ही हैं। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सभी लोग बेहद ज़्यादा कन्फ्यूजन की और कसमकश की स्थिति में नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। बात की जाए तो मीत हुड्डा को किडनैप किया जाएगा और उधर उसकी बिटिया को भी किडनैप किया जाएगा यानी सुमित को। दोस्तों इधर मनमीत बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है हमारे घर में, क्योंकि दोस्तों महेंद्र को जो कोई सज़ा नहीं दी थी, महेंद्र अब और भी ज़्यादा इन लोगों को तड़पाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उसने बोल दिया है कि इन लोगों ने मेरा बुरा किया है तो ये मत सोचना कि मैं इन लोगों को छोड़ दूंगा, बल्कि इन लोगों का मैं ऐसा बुरा करूंगा कि ये किसी लायक नहीं बचने के हैं, क्योंकि दोस्तों उल्टा ही मनमीत और मीत हुड्डा पर भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी में वाकई में चार चांद लगते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और इस समय जो मनमीत जो कर रहा है वो भी एक बहुत ही सोच समझ कर करेगा मीत हुड्डा और अपनी बिटिया यानी सुमित को बचाने के लिए, क्योंकि पता है आखिरकार कि हमारा भैया कुछ भी कर सकता है महेंद्र, सो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना भी संभव बनता है और कानूनी कार्रवाई बिल्कुल आवश्यक होनी भी चाहिए। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा गाइस कैसे लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू।